एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से कंपेयर क्यों किया जा रहा है? धूम 4 का खलनायक कौन होगा? धूम 4 की कहानी क्या होगी? नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इन सभी प्रश्नों का जवाब देने से पहले मैं नए दर्शकों को बताना चाहूंगी कि हमारे चैनल पर 9 बजे बॉलीग्राड Q&A, 12 बजे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, 3 बजे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, 4:30 बजे ट्रेलर रिव्यूज ब्रेकडाउन, सेलिब्रिटीज रिएक्शन, 6 बजे बॉलीवुड कल्ट, 7:30 बजे बॉलीवुड अपडेट्स, 9 बजे फिल्मों का रीमेक और सीक्वल और 10:30 बजे एक्ट्रेसेस अपडेट की वीडियो रिलीज की जाती है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी धूम फ्रेंचाइजी की अपकमिंग फिल्म धूम 4 के बारे में, दोस्तों जिसके खलनायकों को लेकर बॉलीवुड में सरगर्मियां बढ़ गई हैं। और दोस्तों, इस फिल्म के खलनायकों की लिस्ट में जो नाम शुमार है वो है सबसे पहले हमारे बॉलीवुड के दबंग खान यानी कि सलमान खान, उसके बाद हमारे रोमांस के बादशाह यानी कि शाहरुख खान, फिर हमारे इंटेंस लुक वाले अजय देवगन, और दोस्तों दो यंग हीरो भी हमारी लिस्ट में शुमार है। जी हाँ, दो यंग हीरो यानी कि रणवीर सिंह और टाइगर श्रॉफ। दोस्तों, वहीं अगर हमारे यंग एक्शन हीरो टाइगर श्रॉफ इस फिल्म में होंगे तो फिल्म की कहानी कैसी होगी? दोस्तों, वहीं अगर टाइगर श्रॉफ फिल्म में होंगे तो कहा जा सकता है कि एक्शन भरपूर मात्रा में देखने को मिलेगा। वहीं अगर शाहरुख खान फिल्म में होंगे तो रोमांस का तड़का तो जरूर लगेगा। दोस्तों, वहीं अगर सलमान खान फिल्म में होंगे तो वो अपने दबंग अंदाज में चोरी करते नजर आएंगे। और दोस्तों, अगर अक्षय इस फिल्म में होंगे तो फिल्म में हमें कॉमिक अंदाज में स्टंट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, प्रश्न ये उठता है कि फिल्म में खलनायक का रोल कौन करेगा? दोस्तों, अगर टाइगर की बात की जाए तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, धूम फ्रेंचाइजी बहुत बड़ी है, तो ये कहा जा सकता है कि टाइगर श्रॉफ अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। वहीं अगर रणवीर सिंह की बात करें तो दोस्तों, वो भी कई हिट फिल्में दे चुके हैं, लेकिन जैसा कि फ्रेंचाइजी बड़ी है, वो भी अभी फिल्म के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। और दोस्तों, अगर अक्षय की बात करें तो कहा जा सकता है कि अगर अक्षय धूम 4 में नजर आते तो धूम का रंग ही कुछ अलग होता। लेकिन दोस्तों, अफसोस की बात है कि अक्षय कुमार आजकल सोशल मैसेज देने वाली फिल्में करना ज्यादा पसंद करते हैं, तो दोस्तों उनके पास अभी टाइम नहीं है कि वो धूम 4 को अपना टाइम दे सके। दोस्तों, वहीं अब बात फंस रही है सलमान और शाहरुख के बीच कि आखिर इन दोनों में से फिल्म का खलनायक कौन होगा। तो दोस्तों, फिल्म की कास्ट तो अभी फाइनल नहीं हुई है और कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी नहीं की गई है। वहीं अगर बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म के मेकर्स एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की तरह फिल्म बनाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की तरह जैसे कि उस फिल्म में सभी हीरोज साथ नजर आए थे, यानी कि सभी सुपर हीरोज एक साथ फिल्म में नजर आए थे, ठीक उसी तरह हमारे दबंग खान, हमारे रोमांस किंग और हमारे इंटेंस लुक वाले सिंघम भी इस फिल्म में एक साथ नजर आए। तो दोस्तों, अब ये देखना दिलचस्प होगा जब डॉन अपने डॉन वाले अंदाज में चोरी करेंगे और इधर हमारे बॉलीवुड के दबंग खान यानी कि सलमान खान अपने दबंगई अंदाज में उस चोर को पकड़ते नजर आएंगे, और इसी बीच उनका साथ देंगे हमारे बॉलीवुड के सिंघम यानी कि इंटेंस लुक वाले अजय देवगन। और दोस्तों, फिर इन सभी बॉलीवुड स्टार्स का सफाया करते नजर आएंगे हमारे बॉलीवुड के सदी के महानायक अमिताभ बच्चन। तो दोस्तों, अब ये देखना दिलचस्प होगा अगर कहानी ऐसी होती है तो ये तो साफ जाहिर है कि हमें फिल्म में ट्विस्ट एंड टर्न काफी देखने को मिलेगा। और इसी के साथ फिल्म को एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से भी कंपेयर किया जा रहा है, और दोस्तों इसकी वजह यही है कि मेकर्स इस फिल्म को एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की तरह बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की तरह धूम 4 का निर्माण किया जाता है तो ये तो निश्चित है कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री पूर्ण रूप से हॉलीवुड स्तर की बन जाएगी, और वो दिन दूर नहीं जब बॉलीवुड और हॉलीवुड में कोई फर्क नहीं रहेगा। तो दोस्तों, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर ये फिल्म बनती है तो ये फिल्म अपने पहले दिन में क्या 50 करोड़ तक का कलेक्शन कर पाएगी या नहीं, आपका क्या मानना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और दोस्तों, अगर आपका इस वीडियो के रिगार्डिंग या बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।